टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुमरा के कौसा कब्रिस्तान के सामने और आपको बता दें करीब महीनों से जो है डिवाइडर का काम जो शुरू किया गया था तोड़कर, लेकिन डिवाइडर बन नहीं पा रहा था, लेकिन अब जो है डिवाइडर का काम शुरू किया गया है और हम जानना चाहेंगे कि कब तक ये डिवाइडर जो है पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान। शानू भाई, जिस तरह से काम इसका शुरुआत किया गया था, हमने दो बार इसकी खबरें भी लगातार दिखाई कि काम जो है इसका रुका हुआ था, लेकिन अब ये डिवाइडर का काम शुरू किया गया है, तो कब तक माना जाए कि ये डिवाइडर का काम जो है बनकर तैयार हो जाएगा ये डिवाइडर? देखिए, मैंने आपको जब आप मेरे पास आए थे, जब इस डिवाइडर के ताल्लुक से मैंने पहले कहा ये रुका हुआ नहीं था। जैसे हमने इसको तोड़े रोड को और 15 दिन देना कायम किए, तुरंत कोविड की दूसरी लहर आ गई, तो हमारा पूरा ध्यान हॉस्पिटल चालू करने, रेमडेसिविर इंजेक्शन, लोगों की मदद करने में चले गए। बजट भी कहीं ना कहीं तरीके, लेकिन हमने बहुत सारी बात करके टीएमसी के अधिकारी को जितेंद्र रावत जी के आदेश पर हम सभी लोगों ने तुरंत इस डिवाइडर का काम बात करके तुरंत शुरू करा दिया है और ये बनना शुरू है बहुत जल्द, 15 से 20 दिन के अंदर ये जितना जो पट्टा डिवाइडर तोड़ा है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा शाहरुख भाई, एक आप और भी जो है विरोध किए थे कि जो शाहिल होटल से लेकर और अलमास कॉलोनी तक का जो ये पट्टा है रास्ते का काम अभी अधूरा रुका पड़ा हुआ है, आपने कॉन्ट्रैक्टरों को लेकर जो है नाराज़गी जताई थी, कहा था 15 दिन में ये काम उन्हें पूरा करना है नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक ये काम नहीं हुआ। काम शुरू हो गया, आप कंफर्म कर लीजिए, जहाँ जहाँ मैंने इंटरव्यू दिया था वो तो सारी जगह जाके आप खुद विजिट करिए, उन्होंने पीसी कर लिया, खड़ी डाल दिया, लेवलिंग कर दिया है। UTWT का काम वो नहीं डाल पा रहे क्योंकि बारिश है, उनका ये कहना है कि जैसे ही बारिश रुकेगी हम UTWT डाल देंगे, बाकी हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी बस ये रहा ST और LT पुल अंडरग्राउंड करने की, उनको भी मैंने लास्ट वार्निंग दे दिया, वो काम उन्होंने शुरू कर दिया परसों से, अगर वो भी जल्द से कंप्लीट नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त के ऊपर उनको ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा। शानू भाई, एक सवाल थोड़ा मैं हटके पूछ रहा हूँ कि आपने भी सुना होगा एक अशरफ नाम का लड़का था जो बॉम्बे कॉलोनी था, गांव देवी से उतरते समय जो है वो हादसे का शिकार हो गया, रास्ता सही ना होने की वजह से ऐसा बताया जा रहा है, खंबे से टकराने की वजह से उसकी मौत हो गई, तो आप विरोधी पक्ष नेता हैं तो क्या ऐसे हादसे में जिस बच्चे की जान गई है क्या उसके परिवार के लिए आप कुछ मुआवजे के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं? देखिए, महानगर पालिका की चूक के कारण उनका हादसा हुआ, पहले परिवारों को एक कंप्लेंट देना चाहिए तुरंत और फिर उसके बाद एक म्यूनसिपैलिटी को लेटर देना चाहिए। मैं तो मांग नहीं करूँगा, लेकिन एक कोरम मॉल पे लड़का दीवा का मर गया, उसका भी महापालिका की चूक की वजह से हुआ। हमारे जागरूक नागरिकों से निवेदन है कि ऐसा महापालिका के और महाराष्ट्र शासन है MSEDCL या टोरेंट, उनकी चूक की वजह से कुछ होता है, पहले आप एक कंप्लेंट करें ताकि हमको मुआवजे के लिए लड़ाई करने में आसानी हो। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो डिवाइडर का काम है वो जल्द पूरा किया जाएगा और बहरहाल जो रास्ते का काम था उसका भी शुरुआत हुआ गया कर लिया गया है, इस तरह की जानकारी शानू पठान ने दी है। कैमरामैन विजय के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंबई।